नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये दोस्तों मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि काफ़ी यूज होता है, बहुत कोई यूज़ करता है, अच्छेपन बेस्ट में बेस्ट होता है। तो दोस्तों इसमें बीमारी क्या है दोस्तों, जब चार्ज में लगाते हैं तो दोस्तों आप देख लो कौन से क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं चार्ज में लगाया दोस्तों, ये चार्ज तो हो रहा है बट जब ऑन करते हैं दोस्तों तो नहीं आवाज़ आता है, कुछ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है कुछ नहीं हो रहा है बट ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों लाइट जल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का। तो दोस्तों जब ऑन करते हैं करेंगे दोस्तों तो ब्लू कलर का लाइट जलना चाहिए, ब्लू या ग्रीन जलता है दोस्तों, तो वो भी नहीं जल रहा है मगर हाँ चार्ज शो कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का वीडियो अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो यही दोस्तों इसका किट है और आपका दोस्तों ये दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों ये ऑडियो आईसी है दोस्तों, देखिए दिख रहा हो आपको ये ऑडियो आईसी है, ये सिस्टम आईसी है दोस्तों, ये क्रिस्टल है, ये हेडफोन जैक है, ये मेमोरी स्लॉट है, ये कार्ड रीडर का स्लॉट है दोस्तों, इसमें पेन ड्राइव जो डालेंगे दोस्तों डाले थे अभी, ये स्विच है दोस्तों। तो दोस्तों लाइन तो आ रहा है ना दोस्तों, ये चार्ज ले रहा है, ये जो दोस्तों ये आपका चार्ज है दोस्तों, ये चार्जर का तार है, चार्जर का तार है दोस्तों, तो ये स्पीकर का तार है और नहीं ले रहा था दोस्तों, ये स्विच तो नहीं खराब है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एक ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, स्विच को ऑन भी करते तो नहीं हो रहा है। देखो देखिए दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसा बीमारी आता है, आएगा ही अक्सर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो दोस्तों ये जो जम्पर है शायद ये उखड़ा हुआ है आई थिंक। देखिए दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होता है दोस्तों, देखिए आप जो चार्ज में लगाएं दोस्तों, तो चार्ज में लगाएं तो प्लस, तो प्लस हो गया दोस्तों प्लस, तो यहाँ से दोस्तों एक रेजिस्टेंस लग के एलईडी मिल गया दोस्तों, तो ये जो है आपका एलईडी और माइनस, तो डायरेक्ट माइनस चले गया, तो ये एलईडी जल गया दोस्तों। मगर इसमें सप्लाई के लिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये माइनस जो है ना दोस्तों, ये माइनस यहाँ आएगा, एक दूसरे में टच होगा तो पूरा माइनस पूरा चले जाएगा, ऐसे समय चले जाएगा तब ना सप्लाई देगा दोस्तों, तब स्विच भी काम करेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका सोल्डिंग करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, क्योंकि जब चार्जिंग पिन देखिए दोस्तों इतना जान लीजिए आप, जब चार्जिंग पिन उखड़ता है दोस्तों तो ये भी उखड़ जाता है, इसका प्रिंट जो होता है दोस्तों उखड़ जाता है, तो लाइन नहीं आता है, तो बहुत सारे आदमी जो है परेशान हो जाते हैं और नहीं होता है। तो दोस्तों इस तार को दोस्तों जोड़ते हैं और देखते हैं होता है क्या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे वोल्ट चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तो सटाने से ही इसको स्विच होने लगता है। The Bluetooth device is ready to power. तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों लो ऑन हो गया है और ये ऑफ कर देते हैं दोस्तों। तो आपको तो समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या प्रॉब्लम था। देखिए दोस्तों ये माइनस जो है दोस्तों यहाँ से पूरा माइनस लेके दोस्तों ये पूरा फैला हुआ है। तो दोस्तों और देख लेते मेमोरी कार्ड बसता है कि नहीं। The Bluetooth device is ready to power. Music. तो दोस्तों ये बच गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।